हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आप बात करने वाले हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन। सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है, आप कैसे इसको अपने एड कॉपी में ऐड कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है। एक्चुअली डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन का मेन बेनिफिट होता है, ये हमारे जो एड्स का क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करता है। वैसे मैंने क्वालिटी स्कोर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप एक बार जाके चेक कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आई बटन में, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो डायनेमिक सो हम अपने एड का क्वालिटी स्कोर क्यों कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्वालिटी स्कोर बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो एड है वो रैंक करेगा, उसका CTR बढ़ेगा और अपने को कम पैसे में हम अपना एड रैंक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स बताए हुए हैं कि आप अपना एड्स का क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये जो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन बताने वाला हूँ ये भी उसी का एक पार्ट समझ सकते हैं कि आप अपना क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने एड को कैसे रैंक कर सकते हैं। तो ये आप इसको पार्ट 2 समझ सकते हैं एड ऑप्टिमाइजेशन का। दूसरी बात, ये पहली बात तो ये कि अपने जो एड्स का क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करेगा, और दूसरा सबसे मेन बेनिफिट है कि जनरली क्या होता है, अपने को अगर डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड टेस्ट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली अलग अलग एड ग्रुप क्रिएट करते हैं अलग अलग थीम के कीवर्ड के लिए, लेकिन हम उस वो भी अवॉइड कर सकते हैं। हम डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन का यूज़ करके अलग अलग ग्रुप क्रिएट बना किए बिना हम एक ही ग्रुप में हमारे डिफरेंट थीम के कीवर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, और हमारा जो एड होगा उसके अकॉर्डिंग दिखेगा। मतलब आपका जो एड कॉपी का जो हेडर होगा वो आपका जो कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो दिखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वालिटी स्कोर बढ़ा देगा, और आपको अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स के लिए अलग अलग एड्स ग्रुप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अगर आप जैसे 10-15 कीवर्ड टेस्ट करना चाहते हैं, आप कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट एड्स को भी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। जैसे एक एड कॉपी में आप 2-3 कीवर्ड को टारगेट करेंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ऐसे आपको कम से कम 8-10 या डिफरेंट डिफरेंट एड्स को भी बनानी पड़ेंगी अगर आप एक ही एड ग्रुप के अंदर हो, तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हो। तो ये आपका कि क्वालिटी स्कोर भी बढ़ाएगा, प्लस आपका जो वर्क का जो इफर्ट भी कम कर देगा। मतलब आपको अलग अलग एड ग्रुप और अलग अलग एड्स को भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आपका एक ही एड से सारा काम हो जाएगा। तो ये इसके सारे मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं, अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इसको एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं और अपना क्वालिटी स्कोर बढ़ा के एड्स को रैंक करवा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे, ओके, तो मैं आपको ऐसे एक सैम्पल दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ठीक, मैंने एक कैंपेन क्रिएट कर लिया, अभी मैं यहाँ पे आ गया एड्स ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड किए हैं बहुत सारे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक कैंपेन का टारगेट है, मुझे वेट लॉस मेरा जो कैंपेन का थीम है, तो वेट लॉस में मेरे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, और वेट लॉस के कोई इक्विपमेंट या फिर दूसरे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एक्सरसाइज के इक्विपमेंट हो सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा, अगर मुझे सप्लीमेंट के लिए मुझे एक एड ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज इक्विपमेंट के लिए दूसरा क्रिएट करना पड़ेगा, नॉर्मली हम ये फॉलो करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबको एक ही एड ग्रुप के अंदर डाल के भी मैं अपना एड रन कर सकता हूँ, वो भी अपना गुड क्वालिटी स्कोर के साथ, प्रोवाइडेड दैट कि आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें वो सारा रिलेवेंस होना चाहिए, तो वो भी जरूरी है। तो आपको लैंडिंग पेज ऐसा बनाना है जिसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी डायनेमिक कीवर्ड का इंसर्शन करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं और अपना एड इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी स्कोर एड्स का, ओके। तो मैंने जनरली जस्ट ऐसे टेस्टिंग के लिए मैं ऐड बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरा जो पहला कीवर्ड, मैंने दो टाइप्स के कीवर्ड डाले। तो पहला मेरा वेट लॉस प्रोडक्ट के ऊपर है, तो मेरा अभी जैसे मेरा वेट लॉस सप्लीमेंट या बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट या वेट लॉस टेबलेट्स, बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट फॉर वूमन, तो मेरा वेट लॉस से रिलेटेड जो भी सर्च होगा तो उस पर मेरा ये एड दिखना चाहिए। तो ये तो मेरा एक कीवर्ड का टाइप, और मैंने दूसरा कीवर्ड टाइप डाला है वेट लॉस एक्सरसाइज फॉर फीमेल एट होम फैट बर्निंग एक्सरसाइज। तो मेरा जो इसका थीम क्या है, एक्सरसाइज है, और पहले का क्या है, मेरा सप्लीमेंट और प्रोडक्ट है। तो जनरली मुझे क्या करना होगा, दोनों के लिए अलग अलग एड ग्रुप क्रिएट करने होंगे, राइट। फिर एड ग्रुप में भी मुझे अलग अलग एड्स कॉपी बनानी होंगी, राइट। तो इससे मेरा क्या होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन ये सारा काम हम केवल एक एड कॉपी के अंदर कर सकते हैं। तो ये इसका बिगेस्ट बेनिफिट है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। तो अभी आप यहाँ पे आते हैं, अपना URL डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको हेडलाइन डालना है, तो अभी हेडलाइन डालना है, तो अपने यहाँ पे जैसे बहुत सारे कीवर्ड है,
तो यहाँ पे सपोज मेरे 20 कीवर्ड है, 10 कीवर्ड मेरे इस थीम के हैं प्रोडक्ट के, 10 थीम एक्सरसाइज के, तो ये और भी हो सकता है राइट। मैंने दो ही थीम का लिया है, आप कुछ और इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, एक्सरसाइज गियर हो सकते हैं राइट, या आपका कोई सर्विस हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग, एड्स कैंपेन, वॉट एवर राइट। तो अभी तो अभी मेरा यहाँ पे जन अभी मैं एक ही अगर एड ग्रुप में सबको डालता हूँ तो मेरा ये ऑप्टिमाइज होगा ही नहीं राइट, तो मेरा जो हेडलाइन में क्या दिखाएगा राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पे नॉर्मली 3 मैंडेटरी होता है, और सारे में ऐड करूँ तब भी मेरा ऐड बहुत मैसी हो जाएगा और इसके बहुत सारे वेरिएशन क्रिएट करेगा राइट। तो ये मतलब बहुत ही सारा डेटाज हो जाएगा, मुझे रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, प्लस मेरा बजट भी ज़्यादा जाएगा टेस्टिंग में। तो आप अपना बजट बचा सकते हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट करके। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे मेरा हेडलाइन है राइट, तो नॉर्मली तो मुझे ऐड रन करना होता तो क्या करता मैं, लाइक जो मेरा नॉर्मली क्या होता, जैसे मैं वेट बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट, तो मेरा जो हेडिंग ऐसा बनता राइट, और मैं यहाँ पे बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट, बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट, बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट फॉर वीमन फॉर मैन, बेस्ट वेट लॉस फैट बर्नर, तो मेरे कितने सारे हेडिंग हो रहे हैं। तो अभी क्या करना है मुझे, ये सब टाइप नहीं करना है। तो अगर मैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्ट करूंगा तो गूगल क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका जो भी उसको हेडिंग का कीवर्ड इंसर्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे तो पहले मैं दिखाता हूँ आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको जाना है यहाँ पे, ये कर्ली ब्रेस टाइप करना है, तो कर्ली ब्रेस टाइप करते ही आपको यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में 3 सजेशन दिखेगा, कीवर्ड इंसर्शन, काउंटडाउन एंड लोकेशन इंसर्शन। तो इस वीडियो का टारगेट मैं सिर्फ कीवर्ड इंसर्शन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा क्वालिटी स्कोर के लिए यूज़ करने वाला है। इसके अलावा दो और होते हैं काउंटडाउन। काउंटडाउन होता है जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कोई ऑफर प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑफर एंडिंग इन 1 डेज, 1 आवर, 2 डेज, 1 वीक, तो ऐसे आप डायनेमिकली आपका दिखा सकते हैं। मतलब आपको मैनुअली टाइप नहीं करना है, जैसे आपने दिखा दिया ऑफर एंडिंग इन 2 डेज, तो डेली आप टाइमर सेट कर देंगे तो 2 डेज हमेशा चलता रहेगा, आपको बार बार जाके अपडेट नहीं करना पड़ेगा, तो डायनेमिकली देगा। इसके अलावा लोकेशन लोकेशन जैसे आपका कोई एड है तो आपको जैसे दिखाना है फ्री शिपिंग इन दिस कंट्री दिस सिटी, तो वो डायनेमिकली जहाँ से भी आपका एड देखा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में, आप मुंबई से एड देख रहे हो तो दिखेगा फ्री शिपिंग इन मुंबई, फ्री शिपिंग इन दिल्ली, तो वो ऑटोमेटिकली आपका लोकेशन इंसर्ट कर देगा, वो कंट्री हो सकता है, स्टेट हो सकता है या सिटी। तो ये इसके लिए होता है। तो मैं अगर आपको इन दोनों को भी जानना है तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो, जस्ट कमेंट में बताना तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे कीवर्ड के बारे में बात करते, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कीवर्ड इंसर्शन पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो अभी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, टाइटल केस, सेंटेंस केस और लोअर केस। तो आप हेडर में हमेशा आप टाइटल केस ही रखना है। तो टाइटल केस क्या होता है कि आपका जो एवरी वर्ड होगा, जैसे बेस्ट वेट लॉस, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होगा, तो हेडिंग में जनरल हम यही फॉलो करते हैं। लोअर केस सेलेक्ट करेंगे तो सारे कैरेक्टर लोअर में कर देगा। सेंटेंस केस में क्या होता है, आपका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है सेंटेंस का वो कैपिटल में होता है, वर्ड नहीं मतलब फर्स्ट लेटर, बाकी जो सारे वर्ड सेंटेंस वो सब लोअर में होते हैं। तो आपको टाइटल केस सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद वो इसको बाद अप्लाई कर देना। इसके अलावा यहाँ पे एक है डिफॉल्ट टेक्स्ट आपको डाल के रखना है। डिफॉल्ट टेक्स्ट कब यूज़ होता है, जैसे अगर आपका जो कीवर्ड है वो बहुत लंबा है और आपके इस जो टेक्स्ट फील्ड में फील्ड फिट नहीं हो रहा है, बिकॉज इसका एक आप देख सकते हैं 30 कैरेक्टर हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका सपोज आपका जैसे लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट फॉर वीमन इन 2023, तो ये जनरली 50 कैरेक्टर के आसपास हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, वो फिट नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपके एड कॉपी में दिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो मैंने बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट, मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसे ये कैसे इंसर्ट करता है राइट। तो इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्ली ब्रेस हो रही है, अभी मुझे कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहूँ तो इसके आगे पीछे भी कुछ टाइप कर सकता हूँ, बाय बाय योर बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट, तो जो आगे पीछे आप जो भी टाइप करेंगे वो स्टेटिक रहेगा, मतलब वो नहीं बदलेगा, जो भी कर्ली ब्रेस में आएगा वो चेंज होगा। तो अभी क्या होगा, अभी मुझे ये मैंने डाल दिया, तो आपको सेकंड और थर्ड हेडलाइन में आप आपका कॉल टू एक्शन ऊपर वो डाल सकते हैं, आपको कीवर्ड नहीं डालना है, तो जो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से क्रिएट करना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मैंने ये डाल दिया, तो ये कैसे वर्क करेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जैसे किसी ने यहाँ पे डाला, हमारे जैसे इतने सारे कीवर्ड है राइट 20, अभी किसी ने डाला वेट लॉस सप्लीमेंट, तो ये क्या करेगा, डायनेमिकली हमारा जो हेडिंग होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वेट लॉस सप्लीमेंट किसी ने अगर जिस कीवर्ड से वो सर्च करेगा तो हमारा जो एड जनरेट का हेडिंग जनरेट होगा वो डायनेमिकली सेम वही यहाँ पे उसमें जो भी सर्च कर रहा होगा यूजर उसको दिखेगा वेट लॉस सप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर्च किया वेट लॉस प्रोडक्ट फॉर वुमन वीमन राइट, तो आपको जो सर्च किसी ने सर्च किया बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट फॉर वीमन, तो यहाँ पे हेडिंग में उसको वही दिखेगा जो उसने सर्च किया,
तो ये कीवर्ड कहाँ से पिक कर रहा है, हमारे जो कीवर्ड डाले ना, तो वही उसी को वो हेडिंग बना देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एड का रिलेवेंस बढ़ेगा और क्वालिटी स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और वो कैसे बढ़ता है, मैंने आपको ऑलरेडी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, ये तो मेरा एक टाइप का हो गया। और फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिखा रहा है फैट लॉस सप्लीमेंट फॉर प्रेगनेंट वूमेन, किसी ने ये सर्च किया तो क्या होगा, अभी जैसे तो अभी जैसे मैंने कीवर्ड डाला, इसका कितना हो रहा है लेंथ 39, और किसी ने ये सर्च किया तो क्या होगा, ये हमारा डायनेमिक नहीं दिखाएगा। फिर ये क्या करेगा, जो हमने जो डाला है ना बेस्ट वेट लॉस वॉट एवर, जो भी आप डालेंगे वो एड में दिखाएंगा। तो इस केस में ये डिफॉल्ट वर्ड यूज करेगा, वरना जो भी आप सर्च करेंगे तो वो आपका कीवर्ड दिखाएगा, सिंपल। इसके अलावा आप जो सेम डायनेमिक कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में भी एंटर कर सकते हैं, तो आपका डिस्क्रिप्शन भी बहुत रिलेवेंस हो जाएगा, और आपका टोटली आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके डाल सकते हैं बाय फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, बेस्ट वेट लॉस सप्लीमेंट, बेस्ट वेट लॉस प्रोडक्ट, वाट एवर। तो यहाँ पे भी आप कीवर्ड काउंट डाउन, लोकेशन, कीवर्ड इंसर्शन करना है प्लस उसमें, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा सेंटेंस केस सेलेक्ट करना, तो आपका जो केवल फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी नॉर्मल होगा जैसा आप नॉर्मली हम टाइप करते हैं। तो सेम थिंग आप कर सकते हैं, आपको डायनेमिक कीवर्ड डाल सकते हैं तो आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ जाएगा। तो अभी जैसे मैंने वेट लॉस का डाला, अभी किसी ने सर्च किया बेली फैट रिड्यूस एक्सरसाइज, तो क्या होगा, हमारा जो हेडिंग क्या बनेगा एड का, बेली फैट लॉस एक्सरसाइज, तो अभी ये वेट लॉस नहीं बनेगा, तो आपको अलग से एड ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और आपका केवल एक ही एड में सारा एड कॉपी जनरेट हो गया। न तो आपको एड ग्रुप बनाना, नहीं आपको अलग अलग कीवर्ड के लिए टेस्टिंग के लिए एड कॉपी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, वरना अभी आपको 10 एड कॉपी बन जाते आपको इतने सारे वर्ड से। तो देखा आपने, इससे आप कैसे अपना क्वालिटी स्कोर बढ़ा सकते हैं, और इसका बेनिफिट उठाइए, यूज़ करिए, और आई होप आपको इससे वैल्यू मिला होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।